તો એનએસયુઆઈના રાષ્ટ્રીય પ્રમુખ નીરજ કુંદન ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં આવી પહોંચ્યા હતા. તેમણે યુનિવર્સિટીના કુલપતિ અને એનએસયુઆઈના કાર્યકરો સાથે મુલાકાત કરી હતી અને યુનિવર્સિટીમાં એનએસયુઆઈની ચૂંટણી મામલે કુલપતિ સાથે ચર્ચા વિચારણા પણ કરી હતી. એનએસયુઆઈના કાર્યકરોએ કુલપતિની ઓફિસ બહાર નારાઓ પણ પોકાર્યા હતા. यहाँ पे जो छात्र संघ जो चुनाव हैं वो पिछले चार साल से हो नहीं रहे हैं, उसी के लिए हमने बात की. हमने आके पूछा उनसे कि भाई ये चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं. मैं खुद जम्मू कश्मीर से आता हूँ, इसी लैंग्वेज में मैंने पूछा कि अगर ये कश्मीर में ना हो तो हम ये चीज़ समझ सकते हैं कि वहाँ पर कोई सिक्योरिटी रीज़न है, लेकिन गुजरात स्टेट जिसके ढोल शासन का पूरे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश भर में ढोल बजाकर उसका शासन बताते हैं कि ये शासन है, और गुजरात यूनिवर्सिटी में चार साल से चुनाव नहीं हो रहे हैं, ये बहुत ही शर्मनाक बात है. जबकि देश में हर एक यूनिवर्सिटी में चुनाव होते हैं और गुजरात यूनिवर्सिटी में चुनाव ना होना ये सामने सामने ये जतलाता है कि ये सरकार के कहने पे ऐसा हो रहा है. क्योंकि हाल ही में जो हमें पता चला यहाँ पर जो ABBP को नोटा से भी कम वोट यहाँ पर प्राप्त हुए हैं, तो इसे पॉलिटिकली मोटिवेटेड है ये सब सारा मामला. और हमें भी कोई संतुष्टजनक कोई जवाब वाइस चांसलर जी द्वारा नहीं मिला कि उन्होंने कोई बता नहीं पाए हमें कि क्यों यहाँ पे चुनाव नहीं हो पाते हैं.